बूढ़ी माँ का प्यार। माँ रसोई में काम कर रही थी, तभी उसका 10 वर्ष का बेटा उसके पास आया और बिना कुछ कहे एक कागज का टुकड़ा आगे बढ़ा दिया। माँ के हाथ गीले थे। पहले उसने अपने हाथ पोछे, फिर उस कागज को लेकर पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, लॉन की घास काटने के 20 रुपये, इस सप्ताह अपना कमरा साफ करने के 10 रुपये, आपके काम से दुकान जाने के 10 रुपये, छोटे भाई का ध्यान रखने के 5 रुपये, कचरा बाहर फेंकने के 5 रुपये, पूरा हिसाब कुल 50 रुपये। बेटे ने उस सप्ताह जितने काम किए थे उसका हिसाब उसने उस कागज़ पर लिख दिया था। पूरा हिसाब पढ़ने के बाद माँ ने नज़र उठाकर अपने बेटे को देखा और कुछ सोचने लगी। फिर उसी कागज़ को पलटकर पीछे कुछ लिखने बैठ गई। लिखने के बाद उसने वह कागज़ अपने बेटे को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, 9 महीने जो मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम जब छोटे थे और जब जब भी तुम बीमार पड़े तब सारी सारी रात जाकर तुम्हारी सेवा करने की कीमत कुछ नहीं। वे सारे मुश्किल समय जो तुम्हारे कारण मुझे मिले उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे खिलौने, कपड़े, किताबें, खाने पीने की चीज़ें और यहाँ तक कि तुम्हारी नाक साफ करने की कीमत कुछ नहीं। इन सब में जब तुम मेरा प्यार शामिल करोगे तो उसकी कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। बेटे ने जब माँ की लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसकी आँखों में आंसू आ गए और उसने माँ की आँखों में देखा और बोला, आई लव यू मम्मी। फिर उसने पेन लिया और बड़े अक्षरों में उस कागज़ पर लिखा, पेड इन फुल।